हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा कि हमने फर्स्ट पार्ट में ड्राइंग अपलोड किया है जैक सूरी जी का, तो ये आज सेकंड पार्ट, तो हम इसमें चलते हैं फ्रेमिंग करवाने, फिर देखते हैं आगे क्या होता है, फिर चलेंगे उन्हें देने। तो चलिए पहले साथ में चलते हैं फ्रेमिंग करवाने, चलिए चलते हैं। सो गाइस, जहां हम चल रहे हैं फ्रेमिंग के लिए, यहां से लगभग वहां तक की दूरी 7 से 8 किलोमीटर है, तो चलिए चलते हैं साथ में। जो की ब्लैक कलर का है, तो काफी अच्छा लग रहा है फ्रेम, तो करवाते हैं पहले फ्रेम। तो यहाँ पे भैया जी कर रहे हैं फ्रेमिंग और हमारे साथ अखंड भाई भी आए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं इनका रिएक्शन काफी अच्छा रहता है हमेशा। तो भाई, यहाँ पे ड्राइंग के नीचे और ऊपर वाले पार्ट में थोड़ा सा स्पेस बचा रह गया है, तो इसको भैया जी करेंगे अभी व्हाइट चार्ट पेपर से कवर, तो करते हैं फिर इसको कवर पहले। सो गाइज, फाइनली आर्टवर्क फ्रेम्ड हो चुका है और ये काफी प्यारा लग रहा है। फाइनली रेडी हो गए हैं, हमारा फ्रेम वगैरह हो गया था कल, आज है नेक्स्ट डे, तो हम चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं। यहाँ से लगभग 40 से 45 किलोमीटर है रानीगंज भगीरथपुरम, जो कि मुसाफिर खाने के पास है, चलिए चलते हैं। सुबह जब हंसी तनपम और शिवा भाई कम कर रहे थे इंतजार, तो आ गए हैं, तो चलिए चलते हैं फिर। सब भाई लोग मिल गए, सब लोग इकट्ठे हो गए, तो चलते हैं फिर। सब लोग अपनी अपनी बाइक सब लोग साथ में चलते हैं, तो चलिए चलते हैं फिर। तो गाइस, यहाँ पे शिवम भाई और सुशान भाई राइड का मजा लेते हुए, सुबह जो श्रीमद् भागवत कथा हो रही है वहाँ के होल्डिंग्स और बैनर्स हमें दिखाई देने लगे हैं, तो आप देख सकते हैं दिखाई दे रहे हैं। जहाँ मैं पहुँच रहा हूँ उसके बहुत ही करीब हैं। फाइनली हम पहुँच गए जहाँ मैं पहुँचना था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दूर से टेंट दिखाई दे रहा होगा, बगीचे में हो रही है श्रीमद् भागवत कथा, जो कि काफी स्पेस चाहिए इसके लिए। तो बस काफी दूरी में टेंट लगा हुआ है जो कि पांडाल है, आप देख सकते हैं कितना बड़ा है ये, तो कितनी दूरी तक में है ये आप देख सकते हैं।
जहाँ मैं पहुँचना था डेस्टिनेशन पे, तो यहाँ पे हो रही है श्रीमद भागवत कथा ज्ञानक, तो भाई लोग हैं साथ में और हम ड्राइंग को भी लिए हैं, सेफली पहुँच गए, अच्छी बात है। तो वहाँ पे हो रही है, तो अभी चलते हैं देखते हैं क्या कैसे होता है, तो साथ में ही बने रहिए। भैया मैं जय श्री जी के इसके जो पेन है उनके उनको मैं देना गिफ्ट करना। वो अपने हाथ से नहीं लेंगे, नाप दे पाएंगे, उनके जो पंडित जी हैं वो लेंगे, वो उनको देंगे, ठीक है, इतना हो सकता है, इतना ही। क्योंकि भले ही किसी स्कूल के माध्यम से कोई आया था, उन्होंने भी ऐसा ही किया, ठीक है, कोई बात। उनका एक प्रोटोकॉल चल रहा है कोविड की वजह से, ठीक है, कोविड जो प्रोटोकॉल है, लेकिन इसकी वजह से जो बात आपका प्रेजेंट उस तक पहुंचे, हम लोग मीटिंग में आए, ठीक है, मीटिंग कहाँ से है? श्री राघव इंटर कॉलेज में मीटिंग, अच्छा, मीटिंग से, हाँ, चले अभी आप लोग बैठिए, कार्यक्रम का आनंद लीजिए। मेन गेट वहाँ का भागवत के मंडप का, तो यही पंडाल सजा है, सब कुछ देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ स्टॉल्स लगे हैं वहाँ पे, तो चलते हैं, तो काफी यहाँ पे सिक्योरिटी भी चल रही है क्योंकि आप समझ रहे हो। तो गाइस चलिए चलते हैं अंदर और कथा का आनंद लेते हैं। और मैं सच में बता रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम उनका साक्षात दर्शन और उनका स्केच उन्हें प्रेजेंट करूँगा। जादो घर को गुलशन सा अवधे मेरा में आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा। जिसमें हम सभी परम पूज्या विश्व जी जय किशोरी जी के मुखार बिंदु से सुगज, अभी तक जय किशोरी जी यहाँ पे नहीं आई हुई है, तो भी आने का उनका हम इंतजार करते हैं और राधे राधे। सो गाइस फाइनली उनके आने का टाइम हो गया, तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा आप A few moments later. So guys, finally जय किशोरी जी आ गए हैं, आप सामने देख सकते हो जो कार्य तो उसी से आई है, तो उनका यहाँ पे किया जा रहा है स्वागत। तो
hours later. आज तृतीय दिवस के इस पावन अवसर पर की ओर से परम पूज्य विश्वविख्यात आध्यात्मिक प्रवक्ता दीदी जया किशोरी जी को चांदी का मुकुट देकर करने के लिए आई है बस्ती से। तो गाइस फाइनली हमने उनको दे दिया, गिफ्ट कर दिया, तो काफी अच्छा लगा मुझे। तो गाइस मैं जिस समय यहाँ पे आया था दोपहर को, और इस समय आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है। उस समय उतनी भीड़ नहीं थी, तब कितनी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है। तो पहले ऐसे निकलते हैं, फिर चलते हैं घर, और काफ़ी टाइम हो चुका है हमें आए हुए। Many minutes later. सो गाइस हम लोग वहाँ से काफ़ी दूर आ चुके हैं, और हम आए थे दोपहर को, और हमें यहाँ से लौटते लौटते हो गई है रात। तो चलिए चलते हैं, सेफ्टी से घर पहुँचते हैं। Hare Hare Shweta।